विजन जनता की सेवा, कहा डॉक्टर राम चावला ने। हल्का केंद्रीय से भाजपा के उम्मीदवार डॉक्टर राम चावला के समर्थन में आज वार्ड नंबर 55 में शबद भगत की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर चावला ने कहा कि आज भारी संख्या में नौजवान वर्ग उनके समर्थन में उतरे हैं। नौजवानों ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वे इस बार बीजेपी को मतदान करेंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता लोगों को धमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ऐसा कर रहे हैं, अगर वे ऐसा करने से ना हटे तो उनके खिलाफ जल्द ही सड़कों पर उतरकर रोड जाम किया जाएगा। इसी के साथ डॉक्टर राम चावला ने कहा कि उनका एक ही विजन है, गुरु नगरी की सेवा करना, जनता की सेवा करना। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वह गुरु नगरी की सेवा करेंगे। नगरी से नशे को खत्म, मुफ्त शिक्षा इत्यादि कई सुविधाएं प्रदान कर गुरु नगरी का बहुपक्षीय विकास करेंगे। जो मीटिंग हुई है, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग पंजाब लोक कांग्रेस के साढ़े जिहड़े भाईवाल ने, श्री राजीव भगत जी उन्होंने बेटे ने शबद भगत जी, उन्होंने इस्लामाबाद इत्थे एक मीटिंग कराई जिस बहुत वड्डी गिनती दे विच युवा वर्ग शामिल होया। और वो युवा वर्ग ने सानू विश्वास दिलाया कि वो भारतीय जनता पार्टी वास्ते दिन रात एक करके, क्योंकि वो सारे नरेंद्र भाई मोदी दिया नीतियां तो प्रभावित से, उन्हें सारिया ने इस गल का यकीन दवाया कि जिवें नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिंदुस्तान का विकास किया, और जिवें उन्होंने एक गल की होर गल की प्रशंसा की कि उन्होंने मोदी जी ने घर घर जन धन च पैसे पाए, प्रधानमंत्री आवास योजना की चर्चा की, जड़ी MSME च लोन फैक्टर की चर्चा की, यूथ डिवेलपमेंट वास्ते जड़े स्टार्टअप प्रोग्राम मोदी जी लैके आए उन्होंने बारे उन्होंने खुद मेरे नाल चर्चा की। वो कहते असी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां तो बहुत प्रभावित हाँ, और असी चाहते हाँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंजाब दे विच बने। इत्थे तुसी नरेंद्र भाई मोदी जी की सिपाही बन के आए हो, उन्हां दी रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हो, असी तुहाडी दिलों सपोर्ट करांगे, क्योंकि जिहड़ा इत्थों दा MLA है वह 10 साल तो MLA है, उहदा कोई विजन नहीं। उन्होंने सिर्फ विजन अपना घर भरना है, पब्लिक की सेवा का कोई मसला नहीं उन्होंने वास्ते। वो एक बिजनेस के टाइप नाल पेशे के हिसाब से राजनीति चलाते पे ने, उन्होंने वास्ते राजनीति जिहड़ा उस सेवा का माध्यम नहीं है, वो पैसे कमाण का माध्यम है। तुसीं देखोगे उन्होंने पिछले सालों प्रॉपर्टी किन्ने होटल खड़े हो गए, 2.5 किले च उन्होंने कोठियां बनदियां पईआं, मतलब 10-10 लाख दियां, 10 लाख ने करोड़ करोड़ रुपए दियां गड्डियां च घूमते ने। मतलब आम आदमी दी अगर गल करिए जिन्हों 2 वक्त की रोटी नहीं जुड़ती पी, उस बारे ना उन्होंने कोई सोच है ना कुछ है, घर घर चिट्टा विकता पाया। और इस सारी गल नूं तुहानूं एक होर मैं दसांगा, परसों इन्हां दे काउंसलर, इन्हां दे खास काउंसलर छिंदा काउंसलर कहिंदे उन्हूं, हरिपुरे गली नंबर 1 चों उहदे घरों शराब फड़ी जांदी, और अज दी डेट च वी उहदे खिलाफ ये अपना रसूख चला के परचा नहीं होंदे रहे, अनपछाते लोगों के नाम परचा हो गया जी शराब का। किहड़े अनपछाते लोग, इस घर च मैं रहिंदा वा तो मैं अनपछाता वा, जिस काउंसलर नूं सारा शहर जानता वो अनपछाता हो गया। लोगों नूं मूर्ख बनाना बंद करन, ऐसी शराब इन्हां दी सारे काउंसलरां दे घर च पई जे, तुसीं जाके जिहदे विच छापा मारोगे कितों 200 पेटी कितों 400 पेटी, ट्रकां दे ट्रक शराब इन्हां ने मंगाई है, पर पब्लिक इन्हां नूं जवाब देण वाली है। लोगों का मन बदलाव वाल बन चुका, उन्हें शराबा ना विकन वाले नहीं है लोग, क्योंकि लोग 10 साल तो इन्हों भुगतते पे ने। 10 साल के इन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, दड़ा सट्टा, परची की कुछ नहीं हो सकता जो इन्हों की पैरटनेज के अंडर चलता पे। अगर घर घर चिट्टा विकता पे, नशा विकता पे, उन्हें विकाने वाला कौन है? क्या असी लोग हाँ? सरकार साड़ी सी, तुसीं 10 साल तो MLA हो, जवाब तुसीं देना है कि अमृतसर शहर के विच नशा कितों विकता पाया। इहदा जवाब दा मैं नहीं हाँ, इहदा जवाब दे ओम प्रकाश सोनी है जिहड़ा इत्थों पिछले 10 साल तो MLA है। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ MLA ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
तशद्दुद दी इंतहा कीती हुई। अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्कर बोर्ड लांदा है या आम पब्लिक दे घर ते कोई झंडा लगा है उन्हूं जाके धमकियां लांदे ने भी तेरा तू झंडा किवें ला लिया, तू बोर्ड किवें ला लिया। मतलब लोकतंत्र है, लोकतंत्र का गला घोटन की कोशिश करते पे ने, अगले धमकियां लांदे है। कोई गल नहीं, 20 तरीक तो बाद देखी मैं तेरा लाइसेंस कैंसल करा दाँगा, कि डिपो वाले कहते मैं तेरा लाइसेंस कैंसल करा दाँगा, कि दवाइया वाले कहते मैं तेरे नशे के परचे पवा दाँगा, कि कहते मैं तेरे शराब के परचे पवा दाँगा। मतलब इन्हें बुखलाहट आ चुकी है। परसों रूपनगर कलोनी च गया, उतों का काउंसलर जड़ा वो साढ़े को बड़ा सीनियर वर्कर ने और उस कलोनी 40 साल तो रह रहे थे। उन्होंने गल पै गया भी तू बीजेपी के झंडे कलोनी किवें ला रहे हैं, मतलब क्या सारी जायदाद बना ली है असी, तुहानू पुछ के झंडा लाना पेगा। असी अपनी गल भी नहीं कर सकते, मतदाता ने अपना वोट देना है। आपां तुसी भी कन्विंस करना, मैं भी कन्विंस करना और दूसरी पार्टी ने भी कन्विंस करना। मतलब पर असी जे उन्हूं कहंदे तैनू वड़न ही नहीं देंगे, तैनू असी इश्तहार ही नहीं लान देंगे, क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या इस डेमोक्रेसी का सपना लैके आप आज़ादी ली सी? इन्हों शर्म आनी चाहिए है। असी शहर च रहने पे हाँ, कोई पिंडा की राजनीति नहीं करते पे। जे यह काम पिंडा च सुनते होंगे सी भी फलाने ते परचे करा दियो जी, फलाने ते ये कराता जी, 5 साल बाद दूजी पार्टी आई उन्हें परचे कराते। भारतीय जनता पार्टी इन्हों झूठे परचिया झूठे। हाँ जी, सारे सत श्रीकाल जी, मेरा नाम शब्द भगत है और वार्ड नंबर 55 तो अज आप सारे नौजवान कट्ठे हो के आप सारे ने एक वादा किया अपने आप के नाल कि इस बारी आप डॉक्टर साहब वोटा पर पा के भारी बहुमत के नाल जितावे और सारे जिन्हें भी साढ़े मुंडे आए थे सारे ने यो प्रण किया है कि कला कला बंदा जोड़ा है वो अपने नाल दादा भी 30-30 वोटा जीडिया पवा के इस बारी डॉक्टर साहब को भारी वोटा के नाल आप जितावे। डॉक्टर साहब ने अनुवाद दसया है कि एक तो पढ़े लिखे है ना, बहुत सारिया चीज़ा जी पढ़ाई के जड़ी जी कमियाँ है वह हूँ अगे जी पार्टी उन्होंने दूर कर जा रही है और बहुत सारिया योजनावान जड़ियाे ऑलरेडी चल दिया भी हैं और बदलाव की जी चारे पास जरूरत है। इस करके डॉक्टर साहब हूँ आप फुल जी सपोर्ट है डॉक्टर साहब की करें। हाँ जी, इस बारी हूँ जिस तरह आप डॉक्टर साहब के नाल बैठे तो डॉक्टर साहब ने डॉक्टर चावला जी ने सू दसया कि इतने जेडे साडे कॉलेज जिस तरह चाहिए सूँ सरकारी वो बारे भी साढ़े नाल गल हुई है और रोज़गार के लिए भी बहुत सारिया चीज़ा जी कंपनी से जड़ियाँ उन्होंने दसिया सूँ कि मैं लैके आवाँगा और नवे जोड़े रोज़गार है वो खोले जाएंगे। डॉक्टर चावला जी, यूथ वालों कि वोटा जिताया जाएगा? यूथ मैं इंज लगता कि जे यूथ अपना पूरा संकल्प कर ले तो कुछ भी बदल सकता वा। भावें बहुत सारे लोग इस तरह सोचते कि यार बदलाव नहीं किया जा सकता, पर मेरा मानना है कि जे यूथ सारे का सारा नाल तुरद तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। मैं वरिंदर भट्टी मंडल अध्यक्ष हरिपुरा, अज असी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर राम चावला जी का कार्यक्रम इस्लामाबाद बिजली घर के सामने शब्द भगत जी की अध्यक्षता च किया तो लोगों का बहुत भरपूर सहयोग मिले। इतने युवा ब्रिगेड ने इकट्ठे होकर विश्वास दिलाया कि आपां एक मौका डॉक्टर साहब नूं दिवाना ते वह डॉक्टर साहब एक वधिया पढ़े लिखे उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के जिन्हां नूं लोग पसंद कर रहे हैं और आने वाला टाइम तुसीं देखियो 20 तरीक नूं लोग धड़ धड़ करके बीजेपी नूं वोटां पा के डॉक्टर राम चावला जी नूं जिताणगे ते 10 तरीक नूं एक ऐसे बंदे का पतन होएगा जिन्हें इस हल्के का बेड़ा गर्क किया जिदे करके नशे की भरमार हुई उस बंदे नूं चलदा करनगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराणगे।